इस इमेज को देखें। जब हम वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का नक्शा देखते हैं जिसमें 200 जितने छोटे बड़े देश हैं, तब बड़ी हैरानी होती है कि इस मैप को किसने बनाया होगा और कैसे बनाया होगा। ऐसे ही जब हम हमारे भारत के मैप को देखते हैं तब भी हमारे मन में कई सवाल पैदा होते हैं कि भारत का यह मानचित्र कैसे तैयार हुआ होगा, किसने पहली बार भारत का नक्शा बनाया होगा। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, है ना। तो इसका लंबा इतिहास है जिस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे पहले भारत का नक्शा कैसे बनाया गया, फिर किन किन महान लोगों ने भारत का नक्शा किस किस तरीके से बनाया था, और आज जिस मैप से भारत को पहचाना जाता है उसे किसने तैयार किया था, कब किया था और कैसे किया था। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में भारत के मानचित्र के बारे में। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो मानचित्र के बारे में जान लेते हैं कि मानचित्र का मतलब क्या होता है। तो मानचित्र दो शब्दों से बना है, एक मान और दूसरा चित्र, जिसमें मान का मतलब होता है माप या मूल्य, जिस माप को चित्र द्वारा दर्शाना यानी मानचित्र। और कोई भी देश का मानचित्र उस देश के एक बड़े भूभाग को छोटे से रूप में प्रस्तुत कर देता है। यानी अगर ऐसे मानचित्र ना होते तो हमारा भारत कैसा दिखता है उस बारे में हम कभी नहीं जान पाते, लेकिन आज यह मुमकिन है कुछ महान लोगों के कारण। तो दुनिया के इतिहास में कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि सबसे पहले हमने भारत का नक्शा तैयार किया था, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में कुछ ही लोगों के नाम हैं जिन्होंने अलग अलग समय में भारत का अलग अलग नक्शा तैयार करने में मदद की थी। तो भारत के मानचित्र बनने की शुरुआत हम प्राचीन समय से करेंगे, क्योंकि हमारा भारत भी एक प्राचीन देश है और दुनिया भर के कई महान लोगों ने भारत की यात्रा की थी, जिस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत का ठीक ठाक मानचित्र बनाने की कोशिश की थी, जिसमें सबसे पहले थे इमागो मुंडी। इस इमेज में ये जो इंसान है वो है इमागो मुंडी। दुनिया का सबसे पुराना मैप अगर किसी ने सबसे पहले बनाया था जिसका सबूत है हमारे पास, तो वो था इमागो मुंडी का मैप। इमागो मुंडी को इतिहास में बेबीलोनियन के नाम से भी जाना जाता है। बेबीलोन की जो सभ्यता थी उस समय, उन सभ्यता के एक महान दार्शनिक थे इमागो मुंडी। इस मानचित्र को देखें, आपको दिखने में यह पत्थर दिखता होगा, लेकिन यह एक मैप है जो बेबीलोन के महान दार्शनिक इमागो मुंडी ने बनाया था। आज इसे देखकर हमें यह एक मजाक लगेगा कि ऐसा कैसा वर्ल्ड मैप है, इसमें हमारा भारत कहाँ है, लेकिन यह मैप इमागो मुंडी ने लगभग 600 ईसा पूर्व पहले यानी आज से करीब 2600 साल पहले बनाया था। इससे पुराना दुनिया का मानचित्र कोई भी नहीं है अभी तक। इसमें जो ट्रायंगल है वो है दुनिया के 7 महाद्वीप। इसके अलावा उस समय के जो सबसे बड़े शहर थे उसे भी इसमें दर्शाया गया है। तो इस इमागो मुंडी के मानचित्र को मानव जाति के इतिहास का सबसे पुराना वर्ल्ड मैप कहते हैं, जो आज लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। ये पत्थर का मैप कुछ सदियों पहले इराक के रेगिस्तान से मिला था। उसके बाद अनक्सिमेंडर। यह है अनक्सिमेंडर, जो ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे। अब इस मानचित्र को देखें, इसे देखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए आप इस मानचित्र को देख सकते हैं। ग्रीक के महान दार्शनिक अनक्सिमेंडर ने इसे बनाया था, जिसे देखकर हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस समय इसकी बहुत तारीफ हुई थी जब इसे बनाया गया था। तो अनक्सिमेंडर ने इस मानचित्र को लगभग 546 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2550 साल पहले बनाया था। उस समय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए इसमें आपको यूरोप, एशिया और ये लीबिया यानी अफ्रीका ही दिखाई देंगे। और इस मानचित्र में जमीन और समुद्र दोनों को अलग अलग विभाजित किया गया था। इसके बाद हेकाटेस। यह है हेकाटेस, आज का जो टर्की है वहां पर इनका जन्म हुआ था, जो एक जियोग्राफर थे। इन्होंने अनक्सिमेंडर का जो मानचित्र था उस पर ही काम किया था। तो ये अनक्सिमेंडर का मानचित्र था और ये हेकाटेस का मानचित्र है, जिसे हेकाटेस ने 2500 साल पहले बनाया था। इसमें हेकाटेस ने उस समय दुनिया की जो सभ्यताएं थी उसे एरिया वाइज दर्शाया है, जैसे यहाँ पर इजिप्टियन सभ्यता, यहाँ पर बेबीलोन की सभ्यता,
यहाँ पर पर्शियन और यहाँ पर भारत को भी दर्शाया गया है। यानी पहली बार दुनिया के मानचित्र में भारत का उल्लेख करने वाले हेकाटेस थे और हेकाटेस को आज फादर ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल के पिता कहा जाता है। उसके बाद इटेरोस्थनीज का नक्शा, यह इटेरोस्थनीज आज का जो लीबिया है वहां पर इनका जन्म हुआ था आज से 2300 साल पहले। यह एक बहुत अच्छे गणितज्ञ थे। आज जैसे विज्ञान काम करता है वैसे ही 2300 साल पहले इटेरोस्थनीज काम करते थे। अब इस मानचित्र को देखें, यह भी एक वर्ल्ड मैप है जो इटेरोस्थनीज ने बनाया था 300 ईसा पूर्व के आसपास, और इसमें हमारा भारत बहुत ही अलग तरह का दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यह गंगा नदी है भारत की, और यह इंडस वैली सभ्यता को भी दर्शाया गया है जो आज के पाकिस्तान में थी। तो इटेरोस्थनीज ने इस मानचित्र को क्यों बनाया था? क्योंकि जब ग्रीक के सम्राट एलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर ने आज से 2300 साल पहले यह तय किया था कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है, तब उसे दुनिया का मानचित्र देखना था ताकि वो प्लान बना सके दुनिया को जीतने का। इसीलिए सिकंदर ने ग्रीक के गणितज्ञ इटेरोस्थनीज को पहली बार दुनिया और भारत के मानचित्र को तैयार करने का आदेश दिया था, और इटेरोस्थनीज ने तब इस मानचित्र को तैयार किया था। उसके बाद टोलेमी का नक्शा, यह है टोलेमी। इनका जन्म आज के इजिप्त में हुआ था साल 100 में, यानी आज से 1900 साल पहले। टोलेमी एक गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और जियोग्राफर थे। इस मानचित्र को देखें, दुनिया का ठीक ठाक नक्शा अगर किसी ने पहली बार बनाया था तो वो थे टोलेमी। कहते हैं कि टोलेमी ने करीब आज से 1900 साल पहले भारत की यात्रा की थी। तब वापस लौटने के बाद उन्होंने भूगोल की किताब लिखी थी, जिस किताब में उन्होंने भारत का बेहतर मानचित्र तैयार किया था जिसमें हमारा भारत यहाँ पर है। अब इस इमेज में देख सकते हैं, टोलेमी ने अपनी किताब में भारत का मानचित्र कुछ ऐसा बनाया था, और इसमें यह हिमालय की पर्वतमाला है और ये नीचे का दक्षिण भारत है। तो प्राचीन समय में दुनिया के जो नक्शे थे उसमें हमारा भारत कुछ ऐसा दिखाई देता था। अब एक नज़र मिडिल एज यानी मध्यकालीन समय में भारत का मैप किस तरह का दिखाया जाता था उस पर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हावकल। यह मानचित्र हावकल ने करीब 10वीं शताब्दी में बनाया था। अब आप कहेंगे कि टोलेमी ने 1900 साल पहले एक अच्छा मानचित्र बना दिया था, तो हावकल ने यह नहीं देखा होगा जो ऐसा मानचित्र बना दिया दुनिया का? तो टोलेमी का मानचित्र खुद टोलेमी, उनके राजा और मंत्रियों ने ही देखा होगा, और उस समय इसकी कॉपी या जेरोक्स करना मुमकिन नहीं था। यानी किसी को कहाँ पता होता था कि दुनिया के किसी कोने में किसी ने ठीक मानचित्र बनाया हुआ है? वो तो इंटरनेट के कारण आज हमें यह सब पता चला है। तो हावकल के इस मानचित्र में हमारा भारत यहाँ पर है, यहाँ तिब्बत, चीन, ये पूरा एशिया है, इस तरफ रूस और रोम है, और ये यूरोप है पूरा, और ये नाइल नदी है यानी ये भाग अफ्रीका का है। इसके बाद दूसरे है मोहम्मद अल अदरीसी। इस इमेज में ये है मोहम्मद अल अदरीसी। इन्होंने अपनी किताब में दुनिया का एक ठीक ठाक मानचित्र बनाया था साल 1154 में। ये उनका बनाया हुआ मानचित्र है जो काफी लोकप्रिय था। इसमें ये इटली और ये सिसिली आइलैंड है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये ब्रिटेन और यूरोप महाद्वीप है, ये रूस है, और यहाँ पर हमारा भारत है। तो पहली बार भारत की एक ठीक ठाक बाउंड्री इस मानचित्र में दिखाई पड़ती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोलंबस और वास्को डी गामा ने इसी मानचित्र का इस्तेमाल करके भारत और अमेरिका जैसे देशों तक जाने का रास्ता खोजा था। इतिहास में मोहम्मद अल अदरीसी के इस मानचित्र को टबुला रोजेरियाना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद निकोल डी कावेरी का मानचित्र। इस मैप को देखें, इसे कावेरियो का मैप कहते हैं, जिसे निकोलाई डी कावेरी ने बनाया था साल 1505 में। यह पहला मैप था दुनिया का जिसमें दक्षिण अमेरिका, अमेरिका और कनाडा के बारे में दर्शाया गया था। इस मैप को तैयार करने के कुछ साल पहले ही अमेरिका की खोज हो चुकी थी। और अमेरिका की खोज किसने की थी अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे भारत को भी अच्छे से दर्शाया गया है, और यह पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद अब्राहम ओर्टेलिस का मानचित्र। यह है अब्राहम ओर्टेलिस, बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था
साल 1527 में। इसे दुनिया का सबसे पहला मानचित्रकार माना जाता है जिन्होंने आधुनिक एटलास बनाया था। यह उनका बनाया हुआ मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे भारत को भी एक मोटा मोटा रूप मिल गया था और अफ्रीका महाद्वीप को भी सही से दर्शाया गया था, लेकिन दक्षिण अमेरिका और अमेरिका की मुख्य भूमि को अभी तक ठीक से नहीं दर्शाया गया था, क्योंकि 15वीं शताब्दी तक अमेरिका की मुख्य भूमि कितनी बड़ी और कहां तक फैली है इस बारे में ठीक से पता नहीं चला था। उसके बाद हेनरी कॉन्डियस का मानचित्र। यह हेनरी कॉन्डियस जिन्होंने साल 1630 में दुनिया का मानचित्र बनाया था। इस मानचित्र को देखें, इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया को दर्शाया गया था, क्योंकि साल 1623 में ही ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई थी और 1630 में यह मानचित्र तैयार हुआ था। यह ऑस्ट्रेलिया है जो छोटा सा और बिल्कुल अलग है। लगता नहीं कि यह ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि अभी इसकी खोज हुई ही थी तो इसका विस्तार और आकार किसी को नहीं पता था। तो प्राचीन समय में और मध्यकालीन समय में दुनिया के मानचित्रों में भारत का मानचित्र कैसा था ये तो हमने जाना। अब इसके बाद शुरू हुआ आधुनिक समय जिसमें हम सब जी रहे हैं, और इसी दौर में भारत का सही सही मानचित्र बनने की शुरुआत हुई थी, जब यूरोपियन व्यापारी अपना व्यापार और अपना साम्राज्य फैलाने के लिए दुनिया के सफर पर निकलने शुरू हुए। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। इन्हें भारत में बहुत कुछ दिखाई पड़ा, भारत के राज रजवाड़ों की बेशुमार दौलत, भारत में उगने वाली तरह तरह की फसलें, इन सभी चीजों पर अंग्रेजों की नजर थी। लेकिन इसके लिए अंग्रेजों के पास भारत का मानचित्र होना जरूरी था। तो अंग्रेजों ने शुरुआत की भारत का सही सही मानचित्र बनाने की, ताकि मानचित्र के जरिए भारत पर अपना साम्राज्य फैला सके। तो भारत का सबसे पहला नक्शा बनाने की कोशिश जेम्स रेनेल ने की थी। हम में से बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जेम्स रेनेल ने ही सबसे पहले भारत का सर्वे करके पहला मानचित्र बनाने की कोशिश की थी। जेम्स रेनेल ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वेयर ऑफ इंडिया के पद पर तैनात थे। इन्होंने साल 1764 में गंगा और हिमालय के आसपास के क्षेत्र का सर्वे किया और उसका मानचित्र बनाया था। इनके द्वारा बनाए गए सभी मानचित्रों में साल 1779 में बंगाल एटलस बनाने का कार्य बहुत ही प्रभावशाली रहा था। फिर साल 1783 में इन्होंने विस्तृत भारत का नक्शा भी बनाया। हालांकि इसमें बहुत खामियां थी, जिसमें प्रमुख स्थानों की सही स्थिति नहीं दर्शाई गई थी और उपमहाद्वीप की चौड़ाई में 40 मील का अंतर कर देने की भूल हो गई थी। लेकिन उस समय उपलब्ध तकनीकी और स्रोत के आधार पर यह एक उत्तम कार्य माना गया था। इसके बाद भारत का मानचित्र बनाने का काम विलियम लैप्टन को मिला। यह उस समय की बात है जब 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया था। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हराया था, और बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज वहां के लोगों से कर वसूलना चाहते थे। लेकिन उस समय सही मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण अंग्रेज बंगाल के सीमा क्षेत्र को सही तरीके से नहीं जानते थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारत के मानचित्र को तैयार करने का फिर से निर्णय लिया और जैक विलियम लैप्टन को यह काम सौंपा गया। लैप्टन के लिए यह एक महान अवसर था। लैप्टन एक पढ़ा लिखा आदमी था जिसमें असाधारण वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, और उसने खगोल विज्ञान, भूगोल और गणित का गहरा अध्ययन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश पर साल 1802 में विलियम लैप्टन के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वे किया गया। यह सर्वे 10 अप्रैल 1802 में शुरू हुआ था, और उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे भारत का सर्वे अगले 5 साल में हो जाएगा। लेकिन इसे पूरा करने में अंग्रेजों को करीब 70 साल लग गए। विलियम लैप्टन ने भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र मद्रास से मानचित्र बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने इसके लिए सरल त्रिकोण विधि का इस्तेमाल किया। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस यंत्र के जरिए लैप्टन ने मानचित्र का काम शुरू किया। लेकिन लगातार 18 साल तक काम करने के बावजूद लैप्टन भारत के नक्शे के एक तिहाई हिस्से को भी पूरा नहीं कर सके। इसके बाद वो रिटायर हो गए और उनके स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया गया। तो यह है जॉर्ज एवरेस्ट, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया 1830 से। तो एवरेस्ट ने एक बहुत बड़ी टीम बनाई थी।
फिर भी बहुत धीमे गति से काम हो रहा था, क्योंकि इन टीम के लोगों को उफनती नदियों को और जंगलों को पार करना पड़ता था, जिसमें कई लोग बीमार पड़ जाते थे। कभी लुटेरों का सामना करना तो कभी जंगली जानवरों से भागना पड़ता था। इस दौरान एवरेस्ट की टीम के कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन फिर भी मानचित्र बनाने का काम जारी रहा। वैसे इस टीम में ज्यादातर लोग हमारे भारत के ही थे। उनका काम औजारों और उपकरणों को ढोना, जंगलों की सफाई करना, सिग्नल भेजना, जंजीरों से जमीन मापना, लोहारों और मोचियों को उपकरणों की मरम्मत करने के लिए, जंगलों या आदिवासी क्षेत्र में रास्ता दिखाने के लिए, और अंग्रेजी भाषा जानने वाले को डायरी में रिकॉर्ड लिखने के लिए, ऐसे सभी काम लगभग भारत के ही लोग करते थे। इस टीम में भारत के दो लोग मोहसिन हुसैन और राधानाथ सिकंदर से एवरेस्ट काफी प्रभावित हुआ था, क्योंकि ये दोनों बहुत तेज और होनहार थे, जिस कारण साल 1841 तक एवरेस्ट ने लगभग भारत की पूरी जमीन माप ली थी, यानी कन्याकुमारी से हिमालय तक पूरे भारत का माप किया जा चुका था। लेकिन हिमालय पर्वतमाला बहुत बड़ी थी, कश्मीर से शुरू होकर बर्मा तक, जिसमें एवरेस्ट ने सिर्फ कुछ ही पर्वतों को मापा था, और जिसमें हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट का माप लगभग 99% सही था। फिर साल 1843 में एवरेस्ट भी रिटायर हो गया और उसकी जगह पर एंड्रू स्कॉट वॉन आया। यह एंड्रू स्कॉट, इन्होंने साल 1843 में हिमालय पर्वतमाला का सर्वे शुरू किया, हिमालय के एक एक पर्वत को मापा और उसे रोमन नंबर दिया कि पर्वत एक, पर्वत दो, ऐसे सभी नंबर सभी चोटियों को दिए। और आखिरकार साल 1856 में एंड्रू स्कॉट ने यह घोषणा की कि एक चोटी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और उसका नाम हमारे पूर्व सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में एवरेस्ट पर्वत रखा गया। और इसी दौरान काराकोरम पर्वतमाला की खोज की गई, बहुत सारे ग्लेशियरों की पहचान की गई और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम स्थान का पता चलना सबसे महत्वपूर्ण खोज थी उस समय। वैसे जानकर बहुत दुख होगा आपको कि कई इतिहासकारों का मानना है कि एवरेस्ट की ऊंचाई जॉर्ज एवरेस्ट ने नहीं बल्कि उनकी टीम के राधानाथ सिकंदर ने नापी थी, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेयर जनरल था, इस कारण उसने इसका श्रेय राधानाथ सिकंदर को देने के बजाय उसने खुद ही रख लिया था। उस समय तिब्बत एक रहस्यमय देश हुआ करता था, जहां पर यूरोपियन लोगों के आने पर प्रतिबंध था, लेकिन भारतीय लोग तिब्बत में जा सकते थे, इसलिए अंग्रेज सरकार ने भारत के दो भाई पंडित नयन सिंह और पंडित किशन सिंह को भिक्षुक के रूप में तिब्बत भेजा, ताकि तिब्बत के बारे में कुछ जानकारी मिले। यह उन दो भाई की तस्वीर है। इन्होंने साल 1865 से 1892 के बीच बहुत सारे अभियान पूरे किए और गुप्त सर्वेयर की कला में इन दोनों भाइयों ने महारत हासिल की। नेपाल के काठमांडू से ल्हासा, जो तिब्बत का मुख्य शहर था उस जमाने में, और वहां से मानचर झील और फिर वापसी की यात्रा के दौरान इन्होंने कुल 1200 मील की दूरी तय की थी, और इन दो भाइयों ने ही तिब्बत जाने के दक्षिणी व्यापार मार्ग और सांगपो जल मार्ग का पता लगाया था। इन्होंने न सिर्फ अज्ञात तिब्बत की भूमि के बारे में बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में दिलचस्प जानकारियां दी थी। इन्होंने आगे साल 1878 से 1882 के दौरान तिब्बत तथा मंगोलिया की यात्रा की, जहां उन्होंने 4 साल बिताए, और इनके द्वारा खोजे गए इलाकों से ही इरावती और ब्रह्मपुत्र नदियों से जुड़ी भौगोलिक समस्याओं का समाधान करने में मदद मिली। उन्होंने यह भी खोज की कि सांगपो नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और वह ग्याला जाकर समाप्त होती है, तथा इस नदी की कुल लंबाई 850 मील है। इतनी सारी खोज के कारण किशन सिंह को राय बहादुर की पदवी दी गई। फिर इन दो भाइयों ने नए नौजवानों को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि सर्वे कैसे किया जाता है, और इस ट्रेनिंग के बाद कल्याण सिंह, रिंजिन नाग्याल, उग्गेत जिंसो, मिजा सुजा, अता मोहम्मद, अब्दुल चुभन जैसे और भी कई भारतीय लोगों ने नए क्षेत्र खोज किए, और वापस आकर उन्होंने बहुत सारी उपयोगी जानकारी दी। इन लोगों की खोज के कारण भारत के मानचित्र निर्माण, भारतीय सर्वेक्षण के विकास और उपलब्धियों में काफी योगदान मिला था। अब इस आखिरी मैप को देखें।
भारत का यह प्यारा मानचित्र ऐसे ही नहीं बना था। कई हजारों भारतीय लोग और कई अंग्रेज अधिकारी ने 70 साल मेहनत करके भारत के इस प्रथम मानचित्र को बनाया था। तब पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा ये सभी पूरा भारत कहलाता था। तो यह इतिहास था भारत का प्रथम मानचित्र बनने का। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।